मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 27 अगस्त 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पंचांग के पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र की, और इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी जो कि शुक्रवार 27 अगस्त 2021 के लिए मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश चौ लिखें। मित्रों आज का संपूर्ण पंचांग आपको बताना आरंभ करूँ, उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामना देते हैं उन लोगों को जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से, आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के इनके मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 27 अगस्त 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 रहने वाला है। माह भाद्रपद माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु तिथि रहने वाली है पंचमी। पंचमी तिथि आज शाम के 6:33 तक रहेगा, उसके बाद फिर षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्विनी रहने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र आज रात्रि के 1:46 तक रहेगा, उसके बाद फिर भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। करण तैतिल रहने वाला है। तैतिल करण आज शाम के 6:33 तक रहेगा, उसके बाद फिर गर करण आरंभ हो जाएगा। योग गंड रहने वाला है। गंड योग आज सुबह के 7:34 तक रहेगा, उसके बाद फिर विधि योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का मीठी दही रहने वाला है। मीठी दही खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मेष रहने वाली है। मेष राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। व्रत त्यौहार में आज है रक्षा पंचमी का व्रत। सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें तो सूर्योदय होगा सुबह के 5:56 पर और सूर्यास्त शाम के 6:48 पर होने वाला है। चंद्रोदय होगा रात्रि के 9:51 पर और चंद्रयास्त होने वाले दिन के 10:13 पर। ये थी सूर्योदय और चंद्रोदय की बात। आइए अब जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया को। आज का शुभ समय रहने वाले दिन के 12:22 से लेकर 1:59 तक, और आज का चर समय सुबह के 5:56 से लेकर 7:32 तक रहने वाला है। लाभ समय आज का सुबह के 7:32 से लेकर 9:09 तक रहने वाला है, और आज का अमृत समय सुबह के 9:09 से लेकर 10:45 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए अब जानते हैं आज के राहुकाल और गुलकाल की स्थिति को। राहुकाल एक अशुभ समय होता है, ये रहने वाले दिन के 10:45 से लेकर 12:22 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिककाल एक शुभ मुहूर्त होता है, ये रहने वाला है सुबह के 7:32 से लेकर 9:09 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। अभिजीत मुहूर्त भी एक शुभ मुहूर्त होता है, ये रहने वाले दिन के 11:56 से लेकर 12:48 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। विजय मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त आज का रहने वाले दिन के 2:32 से लेकर 3:24 तक, और आज का गोधूलि मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:37 से लेकर 7:01 तक। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग बताया है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।